जरा सोचो 1940 से एक फाइटर पायलट अपने प्लेन के साथ हमारी आज की दुनिया में पहुंच जाए, कितनी अलग लगेगी उसे ये दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है मैरियन और उसके सौतेले बेटे एलाइजा से, जो ओहायो शहर के जंगल से होते हुए एलाइजा की बुआ के घर जा रहे थे। हाल ही में एलाइजा के पिता की मौत हो गई थी, जिससे वो बेहद उदास रहता था। मैरियन ने बताया कि बुआ के शहर में एक सुंदर सा जू भी है, लेकिन एलाइजा अपने पिता के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। तभी अचानक बातों बातों में मैरियन गाड़ी मोड़ना ही भूल गई। जैसे ही उसने रिवर्स करके गाड़ी घुमाई तो अचानक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। उसी पल वर्ल्ड वॉर टू का एक फाइटर प्लेन अचानक तेजी से उनके सर के पास से गुजरा और थोड़ी दूर जाकर क्रैश हो गया। एलाइजा और मैरियन तुरंत बाहर आए और मैरियन ने पुलिस को फोन लगाया। तभी एलाइजा ने देखा कि कॉकपिट में कोई इंसान था, तो मैरियन ने किसी तरह उस आदमी को बाहर निकाला। उसका नाम था थियोडोर कोल और वो कंट्रोल पैनल पर लगी तस्वीर को लेकर ही बाहर निकला। असल में वो वर्ल्ड वॉर टू का एक फाइटर पायलट था, जो न जाने कैसे समय में आगे आकर 21वीं सदी में आ पहुंचा था। जल्द ही वो जलते हुए प्लेन से दूर आ गए और कोल ने मैरियन का शुक्रिया अदा किया। कोल ने बताया कि वो एक फाइटर पायलट है और उनसे पूछने लगा कि वो बर्मा में क्या कर रहे हैं। तब एलाइजा ने कहा कि तू साले पैग लगा के प्लेन चला रहा था क्या? अमेरिका में है हम, बर्मा में नहीं। लेकिन कोल ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हम बर्मा में हैं और लड़ाई का समय चल रहा है, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? पर फिर आसपास देखने पर कोल को एहसास हुआ कि ये तो वही ओहायो शहर है जहां वो रहता था। तभी हम देखते हैं कि आसमान में बादलों के बीच अजीबोगरीब सा चमकता गोला बन गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कोल को हॉस्पिटल ले आई, जहां उन्होंने मैरियन का भी बयान लिया। उसकी बातें सुनकर पुलिस ने हिसाब लगाया कि कोल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इधर एलाइजा सोच रहा था कि कहीं कोल सच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फौजी तो नहीं। फिर एलाइजा चुपके से कोल के कमरे में गया। वहाँ उसने कोल के लॉकेट को छुआ तो अचानक कोल की आंख खुल गई और उसने एलाइजा को जोर से पकड़ लिया। कोल ने उससे पूछा कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है, तो एलाइजा ने बिल्कुल सीरियस होकर पूछा कि क्या वो सच में एक फौजी है। असल में कोल को लग रहा था कि वो साल 1941 में है, पर एलाइजा ने उसे बताया कि इस वक्त साल 2002 चल रहा है। अब कोल को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, इसीलिए उसने एलाइजा को अपने समय की चॉकलेट देकर उससे मदद मांगी। उसने एलाइजा को शेरिफ सिमंस नाम के एक आदमी से मिलने को कहा। तभी अचानक पुलिस ने बाहर से देखा कि कोल उठ गया था, तो वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही एलाइजा ने कोल की मदद करने का वादा किया तो कोल ने दरवाजा खोल दिया। फिर पुलिस ने अंदर आकर उसे पकड़ा और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया। फिर घर लौटते हुए एलाइजा ने मैरियन को कोल के बारे में बताया, मगर मैरियन को भी लगता था कि कोल पागल है। पर जब एलाइजा ने उसे कोल की दी हुई चॉकलेट दिखाई तो मैरियन को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये चॉकलेट तो 30 साल पहले बननी बंद हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि इस बात में कोई गहरा राज जरूर है, इसीलिए वो एलाइजा के कहने पर पुलिस स्टेशन में शेरिफ सिमंस को ढूंढने पहुंची। लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ सिमंस नाम का कोई पुलिस वाला नहीं है। तब एलाइजा की नज़र वहाँ मौजूद एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, तो उसने देखा कि इसमें कोल भी मौजूद था। फिर उसने चुपके से तस्वीर चुरा ली और बाहर जाकर मैरियन को दिखाई। ये तस्वीर 1938 की थी, पर मैरियन कहने लगी कि हो सकता है कोल के दादा हों। इसके बाद हम हादसे की जगह को देखते हैं, जहां एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जाकर सारा इलाका सील कर दिया था। इस डिपार्टमेंट के हेड का नाम बेल था और उसकी असिस्टेंट थी नीना। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से जानते थे कि कोल टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है। उन्होंने पूरी टीम लगाकर फाइटर प्लेन के सारे टूटे फूटे हिस्सों की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उस इलाके की जमीन हिलने लगी और बेल को एहसास हुआ कि उन्हें आसमान में मौजूद इस छेद के जरिए ही समय में आगे आई हुई सारी चीजें वापस भेजनी होंगी, वरना फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसने अपनी टीम को फटाफट प्लेन ठीक करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद उसने नीना को ऑर्डर दिया कि किसी भी हाल में कोल को जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ, ताकि वो उसे उसके समय में वापस भेज सकें। उधर हॉस्पिटल में कोल की आंख खुली तो उसने नीना और उसकी टीम को हॉस्पिटल में घुसते देखा। जैसे ही एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने आया तो कोल ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसे 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया देखकर बहुत हैरानी हुई, तो उसने सोचा कि ये खुद से ही बातें क्यों कर रहे हैं। खैर, फिर वो एक मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से भाग निकला। उधर मैरियन एक पेट्रोल पंप पर पहुंची तो एलाइजा ने यूं ही गाड़ी में मौजूद एक खत पढ़ लिया, और उसे पढ़ते ही एलाइजा को धक्का लगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि मैरियन एलाइजा को हमेशा हमेशा के लिए उसकी बुआ के यहाँ छोड़ने जा रही थी, पर उसने मैरियन से कुछ नहीं कहा।
फिर जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल पर आ रहा कोल उनकी गाड़ी से टकरा गया। उसे देखकर एलाइजा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी चुराई हुई वो तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या ये तुम ही हो। कोल ने कहा कि ये मेरी ही तस्वीर है और साथ में शेरिफ सिमंस भी हैं। खैर फिर मैरियान ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, जिस पर कोल ने जवाब दिया कि वो अपनी पत्नी पॉलिन से मिलने जा रहा था। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज आई तो मैरियान कोल और एलाइजा को लेकर भाग निकली। फिर वो कोल के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उसके घर तक आ पहुंचे। घर में जाकर कोल ने पॉलिन को आवाज दी तो एक औरत बाहर आई। फिर उसने मैरियान और एलाइजा को वहां देखा तो उसने पूछा कि आप लोग कौन हो। तो मैरियान ने यूं ही बात घुमाकर कहा कि कोल पॉलिन का पुराना दोस्त है और वो उससे मिलने आया है। फिर उस औरत ने कहा कि फिलहाल पॉलिन पॉटरी क्लास के लिए गई है, इसीलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी कोल की नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी और उसे धक्का लगा। असल में पॉलिन ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। अब कोल निराश होकर बाहर जाकर खड़ा हो गया। इधर मैरियान ने इंटरनेट पर कोल के बारे में ढूंढा तो पता चला कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक क्रैश में कोल की मौत हो गई थी। उसी वक्त टीवी पर खबर आई कि एलाइजा को किसी ने अगवा कर लिया था। ये खबर देखते ही उस औरत ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। इधर कोल ने पीछे के दरवाजे से भागने की सोची पर वहां भी फौजी पहुंच चुके थे। तभी बाहर से लाउड स्पीकर पर ऑफिसर बेल की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कोल हाथ खड़े करके बाहर आ गया। बेल और नीना ने उसके करीब आकर कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि वो तो उसे उसके असली समय में वापस भेजना चाहते हैं। तभी अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और नीना ने कहा कि ये सब कोल के टाइम ट्रैवल करके गलत समय में आने की वजह से हो रहा है। ऑफिसर बेल ने कहा कि वो गलती से भविष्य में आ गया है और उसे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त एलाइजा ने बाहर आकर कोल को बताया कि 1941 में एक क्रैश के समय उसकी मौत हो गई थी और जैसे ही वो अपने समय में वापस लौटेगा उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी, इसलिए वो उसी वक्त कोल के साथ गाड़ी में भाग निकला। जल्द ही पुलिस भी उनके पीछे लग गई, लेकिन कोल इस शहर के पुराने रास्ते जानता था, इसीलिए वो एक सुनसान जंगली इलाके में आ पहुंचा। अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वो दोनों पैदल ही आगे निकल पड़े। फिर वो एक नदी किनारे पहुंचे तो कोल ने बताया कि वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले उसने और पॉलिन ने आखिरी बार यही डांस किया था। यही उसने पॉलिन को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक लॉकेट दिया था। फिर उसने एलाइजा से अपनी मौत का पूरा सच पूछा तो एलाइजा ने बताया कि वो क्रैश के बाद दुश्मन की कैद में मारा गया था। ये सुनकर कोल को लगा कि उसके यहाँ होने से बहुत गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए चाहे जो भी हो उसे वापस जाना ही होगा और एलाइजा को उसके साथ नहीं मैरियान के साथ होना चाहिए। मगर तब एलाइजा ने बताया कि मैरियान उसकी सौतेली माँ है और वो तो उसे हमेशा के लिए उसकी बुआ के पास छोड़ने जा रही है। एलाइजा ने कहा कि कोल और वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। पर फिर कोल कहने लगा कि देख भाई, मैं यहाँ पॉलिन के चक्कर में आया था, उसने दूसरी शादी कर ली, बच्चे कर लिए, अब मेरा क्या काम यहाँ पे। लेकिन तब एलाइजा ने कहा कि उसे कोल में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। फिर उसने बताया कि उसके पिता भी एक फाइटर पायलट थे जो 1 साल पहले अफगानिस्तान में मारे गए। अब वो कोल को भी अपने पिता की तरह खोना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर बेल और उसकी टीम मैरियान को लेकर अपनी वर्कशॉप में पहुंचे, जहां उनके आदमी कोल के फाइटर प्लेन की मरम्मत कर रहे थे। बेल ने कहा कि सिर्फ मैरियान ही उन्हें एलाइजा और कोल तक पहुंचा सकती है, पर मैरियान ने कहा कि अगर कोल वापस चला गया तो उसकी मौत हो जाएगी। तब बेल उसे कंप्यूटर के पास ले गया और उसे अलग अलग इलाकों के नक्शे दिखाए जहां पर लगातार भूकंप बढ़ते जा रहे थे। ये सब आसमान में खुले उस पोर्टल में से आई हुई चीजों के वापस ना जाने की वजह से हो रहा था, इसीलिए अब कोल को वापस भेजना बेहद जरूरी था, वरना 10 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर मैरियान को मामले की गंभीरता समझ आई और वो मदद के लिए तुरंत राजी हो गई। फिर बेल, नीना और मैरियान मिलकर एलाइजा और कोल को ढूंढने निकल पड़े। तब मैरियान ने उस पोर्टल के बारे में पूछा तो नीना ने बताया कि वो छेद पूरे 11 घंटे तक खुला रहता है और अब उसके बंद होने में बस कुछ ही समय बाकी है। उधर कोल और एलाइजा पुलिस सायरन से भागते हुए शहर आ पहुंचे थे। जल्द ही हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और पुलिस ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। तभी बेल, नीना और मैरियान भी वहां पहुंचे। अब मैरियान ने पहले खुद जाकर कोल से बात करने की इजाजत मांगी। बेल मान गया और मैरियान ने कोल के पास जाकर कहा कि उसे पोर्टल बंद होने से पहले अपने समय में वापस जाना ही होगा, वरना इस इलाके के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी लोग मारे जाएंगे। एलाइजा को लगा कि वो कोल को बेवकूफ बना रहे हैं, पर मैरियान ने उसे बाहों में लेकर समझाया कि यही सच है।
आखिरकार कोल लौटने को राजी हो गया, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार पॉलिन से मिलना चाहता था। तब वो सभी पॉलिन के घर पहुंचे और बेल ने कोल को 5 मिनट का समय दिया। जब कोल अंदर गया तो पॉलिन टेबल पर बैठी किताब पढ़ रही थी। कोल को देखकर उसकी आंखें चमक उठी और कोल ने उसके पास जाकर माफी मांगी, क्योंकि वो पॉलिन को बिना अलविदा कहे ही युद्ध में चला गया था। कोल ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भूल चुकी हो, लेकिन मैं तो अभी भी तुम ही से प्यार करता हूँ। अब कोल के लौटने का वक्त हो चुका था, पर जाने से पहले पॉलिन ने उसे अपना लॉकेट दिखाया जिसमें कोल की तस्वीर आज तक मौजूद थी। ये देखकर कोल की आंखें भर आई और उसने पॉलिन को एक आखिरी बार डांस करने के लिए पूछा। फिर उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में डांस किया और बेल कोल को लेने आ गया। कोल वापस आया तो एलाइजा और मैरियन उसका इंतजार कर रहे थे। उसका फाइटर प्लेन उड़ान के लिए तैयार था, तभी एलाइजा ने कोल को जोर से गले लगा लिया। इसके बाद कोल ने मैरियन को अकेले में जाकर कहा कि एलाइजा खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, इसीलिए उसे बुआ के घर ना भेजकर अपने साथ रखना चाहिए। तब मैरियन ने एलाइजा को देखा और उसे अपने पति का चेहरा दिखाई दिया। कोल ने कहा कि शायद उसके यहाँ आने का यही मकसद था, जिसके बाद मैरियन ने वादा किया कि वो एलाइजा को अपने से दूर नहीं करेगी। अब जाने का वक्त हो गया था, पर अचानक कोल को याद आया कि उसने तो अपनी चॉकलेट एलाइजा को दी थी। उसने एलाइजा से चॉकलेट मांगी तो उसने कहा कि वो तो चॉकलेट खा गया। खैर, कोल ने कहा कि इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोल सबको अलविदा कहकर अपने फाइटर प्लेन में बैठा और सीधा उस पोर्टल की ओर उड़ान भरी। उसके हाथ में पॉलिन की वही तस्वीर थी। जैसे ही कोल जहाज समेत उसके अंदर घुसा तो पोर्टल अपने आप ही बंद हो गया। फिर मैरियन ने एलाइजा को गले लगा लिया और उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी। अगर तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल करने की पावर हो तो तुम समय में आगे या पीछे कहां जाओगे, कमेंट्स में जरूर बताना।